लास्ट टाइम हम गए थे किलोंग, किलोंग वो कहाँ पे गए थे हम, कौन थी मनाली के आगे, मनाली के आगे किलोंग, वो नहीं कुछ कौन था नाम था ना, स्पीति से थोड़ा पीछे किलोंग में गए थे और वहाँ पे हम दो दिन स्टे किया हमने, बर्फ पड़ेगी नहीं पड़ी, हम चंडीगढ़ चले गए, बाय रोड गए थे चंडीगढ़ चले गए और अगले दिन न्यूज आई बर्फ पड़ गई वहाँ पे। भाई हम यहाँ पे आए हैं बर्फ ढूंढते ढूंढते कश्मीर श्रीनगर सारा क्रॉस करते करते ले पहुंचे भाई, कहीं बर्फ का नामो निशान नहीं। अब मेरे को लग रहा है अब हम दोबारा घर चले जाएंगे, खबर आएगी यहाँ पे बर्फ पड़ गई। चक्कर नहीं समझ रही भैया, जहाँ हम जाते हैं सूखे डाल देते हैं, सूखे पड़े पहाड़ भी मैं आपको दिखाऊँ ना, मतलब ऐसा हो रखा है देखो बाहर सूखा पड़ा बिल्कुल भाई सूखा। अब यार मुझे समझ नहीं आता अब हम आगे पाकिस्तान निकल जाए। ये देखो भाई बाहर का नज़ारा है, कुछ ये होटल है, दूर दूर तक देख लो यार, दूर दूर तक ले टावरों पे भी ले जाता मैं, वहाँ पे कहीं बर्फ नहीं है। हम यहाँ करने के आए हैं, इससे बढ़िया घर ही रहते, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं बर्फ ही नहीं पड़ रही यार। लाओ भाई बोलते थे कश्मीर में बर्फ पड़ेगी, श्रीनगर में पड़ेगी, करना वहाँ पे कारगिल में वहाँ पड़ेगी, भाई यहाँ ले भी आ गए यहाँ भी नहीं पड़ी, कहाँ है बर्फ, लेके तो आओ बर्फ पड़ाओ यहाँ पे। आज भी हमारा स्टे है यहाँ पे और यार जिस रास्ते से हम आए थे ना, आते आते यहाँ तक हमारे डॉग्स फेल हो चुके हैं, कुत्ते फेल हो चुके हैं। हाँ और न्यूज वाले क्या बोल रहे थे, बर्फ पड़ी हुई है। अब मैप में देखोगे ना भाई, परत चद्दर छाप रखी है पूरी की पूरी, वाइट चद्दर ले में कहीं नहीं है भाई बर्फ, और बाहर का टेम्परेचर चल रहा है -6, धूप आ रखी है कुछ पर ठंड है कुछ नहीं और। हाँ ये बंद ही कर दो पूरा पूरा ये, क्योंकि ना ऑक्सीजन खत्म कर देता है, है ना, हमें तो सांस वैसे नहीं आ रही। सर मेरे को एक बार बताओ बर्फ डलवा दो यहाँ, बाहर डलवा दो भाई आई कह रहा बर्फ डलता भाई बाहर डलवा दो यार, हम बर्फ के चक्कर में तो आए थे कि स्नो होगी भाई, पहली बार हुआ ना ये मेरे को लग रहा है हिस्ट्री में पहली बार हुआ है इतिहास में भाई। अरे हम श्रीनगर से होते हुए आए हैं, कहीं बर्फ नहीं है भाई, कहीं नहीं है, और हम इतनी मेहनत कर गए ना गाड़ी में कि एडवेंचर करते हुए जाएंगे, कर लो क्यों नु पांडा एडवेंचर हो गया हमारा तो भी। हाँ यार इतना गर्मी है बुरा हाल हो गया भाई, फील नहीं है ठीक है भाई, थैंक यू भाई, कह बर्फ डाल देते इनको प्याली पुली भड़कानी होगी, मगर ना भाई बाहर डलवा दे, नहीं तो यहाँ पे भाई बर्फ नहीं पड़ी, ऊपर से हम यहाँ पे कैंपिंग भी नहीं कर सकते, डर इतना लगता है कहीं हर जगह तो मिलिट्री खड़ी है। हेलो दोस्तों हरे कृष्णा, तो कैसे हो आप सब, होप आप सब अच्छे हो गए। तो भाई मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, बस अब निकलते हैं कहीं, एक दो चीज़ें आपको भी दिखा दूँ और हो सकता है तो आपको होटल का भी रूम टूर दे दूंगा। वैसे अभी तक हम खाना वगैरह खा के आ चुके हैं, घूम के आ चुके हैं, सुबह खेल भी लिए थे पूल वगैरह, और बस अभी जस्ट अभी नहाया हूँ मैं, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, धूप नीचे हो गई क्योंकि देखो यहाँ से कुछ मौसम ऐसा है और वहाँ पे लग रहा है स्नो पड़ रही है ना, काले बादल हो रखे हैं ना, और यहाँ पे हो सकता है पड़ जाए, तो देखो क्या होता है, बने रहना वीडियो में। यहाँ पे ना मानो यार कोई टूरिस्ट नहीं है, सभी लोकल बंदे घूम रहे हैं, होटल में भी ना लोकल, मतलब लोकल जो नजदीक कहीं यहीं कहीं के होंगे। भाई मेरा नहा रहा है, भाई मैं बाहर हूँ, ओके नहा रहा है वो अभी, ओके ब्रो ओके। अब मैं रूम से निकल रहा हूँ, रूम से निकलते ही कुछ ऐसा व्यू है, देखो बादल तो है यार इस साइड भी, हो सकता है स्नो पड़ जाए। भाई बहुत बड़ा होटल है, मेरा रूम उस साइड है, मैं इस साइड घूमते घूमते आ गया, मैं क्या चलो देख लेता हूँ, सिटिंग मैंने दे रखा है बहुत बढ़िया है, हर जगह ना थोड़ा थोड़ा व्यू दे रखा है देखो यहाँ से भी, और अपना रूम है वो वाला 402। तो चलो अभी चलते हैं नीचे कुछ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यार, लेकिन फर्स्ट टाइम आया हूँ तभी स्नो नहीं पड़ी, बिल्कुल जीरो हो गया। भाई आज ये वाली जैकेट पहन रहा हूँ जो ये भी डिकैथलन से ली थी -18 तक, लेकिन -18 के यहाँ पे नौबत है मेरी -7-6 चल रहा है -7, लेकिन फिर भी पहन लेते हैं पता तो लगे, और कहाँ पहने हैं चंडीगढ़ में। भाई चलो फुल पैक होके निकल रहे हैं, पहले सबसे पहले एक काम करना है, वो करना है गाड़ी स्टार्ट करनी है, उसको देखते हैं पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है ना, क्योंकि ज़रूरी है भाई, पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है, और गाड़ी में कुछ खाने पीने का सामान है वो भी लेके आ रहा है, वो भी ज़रूरी है। ये सारा होटल है मुझे ऐसे रूम्स बने हुए हैं, सुबह तो मुझे भी रास्ते में आया था ये से बंद हो रखे थे, ओहो जैकेट ने बचा रखा है भाई। अब देखो ऑफ सीजन है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये होटल की, ये ले गाड़ी स्टार्ट मत करियो, मैं करूँगा तू मत करियो, तू कम कर देगा, बैठ जा बस
तू सामान निकाले पीछे से खाने वाला। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये है होटल की एंट्रेंस, ये सारा होटल है, ठीक है, वो है टैक्सी, ठीक है, और अब देखना गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं होटल में। जेके एलए एक अपनी खड़ी है और ये जेके, मतलब जितने लोकल है ना बस वही आ रखे हैं, कोई टूरिस्ट नहीं है भाई यहाँ पे। और यहाँ बिल्कुल ऐसे, अब मेरे को लग रहा था मौसम ख़राब सा हो रहा है, लेकिन अगर रात को स्नो पड़ गई ना यार तो मैं क्या करूँगा बताओ, ना आपको दिखा पाऊँगा। तो भाई मैं आ गया हूँ गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। पहले ये आ गया, देखो ये न्यू ट्रिप लगा दिया था मैंने, ये न्यू ट्रिप, अभी तक इतनी चली है गाड़ी 967। और भाई पानी वगैरह इसका सारा निकाल दिया था, अगर वोदका होता तो नहीं निकालते क्योंकि वोदका जमती नहीं है। हमने सोचा था, भैया ने बोला था कि वोदका डाल देंगे वाइपर वाले पानी में तो वो जमेगी नहीं, लेकिन यार दिमाग में नहीं रहा तो रह गया, इसलिए पानी भी निकालना पड़ा है। और भाई अभी गाड़ी स्टार्ट करनी ज़रूरी है, और डेली डेली गाड़ी स्टार्ट भी करनी, बंद करनी, स्टार्ट करनी, बंद करनी, क्योंकि यार यहाँ पे फ्रीजिंग होती है इतनी ज़्यादा, गाड़ी का इंजन ठंडा पड़ जाता है ना। ये मतलब मुंह बुला के बैठ जाए, सही बात है। इन्होंने ना जैसे ही हम आए ना, इन्होंने हमें कपूर दिए, मतलब कपूर वो पैकेट में डाल के कह रहे सर अगर सांस की प्रॉब्लम होगी तो करते रहना। मेरे को लग रहा है थोड़ी है, लेकिन इतना नहीं, हम डीप सांस लेते हैं, लेकिन हम घर से भी कपूर लेके आए थे, ये पूरा लेके आया था कि सही है, अरे कपूर रखा हुआ। बाई चांस कभी भगवान ना करे ऐसी दिक्कत पड़ जाए तो कर सकते हैं। चले चलो भाई चलते हैं, अपना काम जो करना था वो कर दिया, अब निकलते हैं यहाँ से। ये G2 यहाँ पे भी लगाया था है ना भाई, हम खा पी के दोबारा निकल रहे हैं, सैंडविच ही खाया था बस, अब निकल रहे हैं भैया गाड़ी लेने के लिए गए हैं, यहाँ से निकलते हैं, रात बहुत हो गई है, 6:30 हो गया, अभी घूमेंगे कहाँ पे, बस थोड़ा सा लोकल जाते हैं, घूम फिर के फिर आ जाएंगे। होटल भी बिल्कुल शांत पड़ा भाई, अभी हम थोड़ा सा आउटर पे आए हैं भाई, अंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। अभी भाई के फ़ोन का ना टेम्पर टूट गया, बोतल बने आए इस वाली शॉप पे। भाई इधर आए थे, एक ही खुला था, मैंने कहा तो सूप वगैरह पी लेते हैं, लेकिन टोटली प्योर नॉन वेज, मैंने कहा नहीं। देखो सारी की सारी मार्केट बंद पड़ी है, बस वहाँ पे 2-3 दुकानें खुली हैं जहाँ से हमने टेम्पर डलवाया, उसके बाद ये खुला था, मैंने कहा पूछ लेते हैं, बट नहीं भाई यहाँ के तो कुत्ते भाई बब्बर शेर जैसे हैं। तो भाई पंगा पड़ गया मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाँ लड़ाई युद्ध छिड़ रहा है। हम होटल पहुँच गए और होटल के बाहर ज़्यादा अच्छा लग रहा है घूमते हुए, क्या भाई यहाँ पे सांस आ रही है, अंदर तो हीटर चला के ऑक्सीजन की माँ मन की हुई है, मैंने ऑक्सीजन नहीं आती अंदर, हम ही हैं बाहर इसलिए मैंने लॉक किया नहीं, लाइटें लुटे जला रखी हैं, वरना इतनी देर में तो भाई कुग्गी बोल जाती है। भाई मज़ा आ गया बाहर, हम तीनों ने जो कबड्डी खेली है ना ठंड में, ओए होए मज़ा आ गया। तो भाई हम सारी जगह घूम के मंडरा के आवारागर्दी करके आखिरकार हम पहुंच गए अपने होटल के रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे हम खा रहे हैं पोपले, ये तो खैर कॉम्प्लीमेंट्री है, सूप आ रहा है, सूप खा के फिर चलते हैं नीचे खेलने के लिए, भैया की फेवरेट गेम छोटी गलतियाँ पकड़ रहे हैं, हाँ सूप पी के सही बात है, सूप पी के चलते हैं। भैया कौशिक आपका नाम? यस सर। ओके, मैंने एक कास्ट भी होते ना कौशिक, आपके नीचे लॉबी जो मेन एंट्री है कबड्डी कबड्डी खेल। कितना टेस्टिंग था बट ठीक था भाई, सुबह आते हैं तो यहाँ पे खाते हैं बूफे बूफे लिखते हैं यहाँ पे, ये सारा ना मैं आपको मोस्टली सुबह दिखाऊंगा, यहाँ पे हमने कुछ खाया हुआ नहीं है, निकल ही रहे हैं अब यहाँ से, अब चलते हैं पूल के लिए, कुछ नहीं है, बहुत ही कम बंदे हैं जो यहाँ पे भी खा रहे हैं खाना, अपना हो गया यार, बाद में खिचड़ी मंगाई थी बहुत ही टेस्टी, मेरा यहाँ से ना पेट कुछ ऐसा ऐसा हो रहा था कॉफ़ी पी के, लेकिन अब सेटिंग से बैठ गया भाई, यहाँ पे सही लग रहा भाई। देखो बॉनफायर का भी है यहाँ पे, अभी नहीं जला रहे, अभी तो हम खेलने चलेंगे, कल जलाएंगे, देख रहे हो कोई नहीं है, बस जला ले भाई, कोई नहीं था यहाँ पे, हमने ओपन किया है, बस सही है मैं ज़्यादा नहीं, ओके ना, सुबह की ओपनिंग भी और रात की नाइट भी यहीं से करेंगे वहाँ की, हाँ बस ठीक है, बस जला जला ठीक है, ओके ऑलमोस्ट यार।
भाई चलो अब निकलते हैं। आपको पता है पहले हमने वो वाला पूर खेला, उसके बाद सबसे खतरनाक पूर ये वाली, ये गेम खेली है भाई स्नूकर। हाँ जो भी है इसको स्नूकर बोलते हैं, खेली है और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जा गया था ना। टाइम देखो 11 बजने वाले हैं, 9:30 बजे के लगे हुए हैं, खेली जा रहे हैं। हमने कहा भाई एडिटिंग भी करनी है, कब करेंगे एडिटिंग। तो चलो चलते हैं रूम में, ऊपर ही है फोर्थ फ्लोर पे। तो भाई रूम में आ गए हैं। अब यार रूम की इतनी हालत माड़ी हो रखी है, उन्होंने बोला भी था कि सफाई कर देते हैं। हमने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं, हमें ऐसी ज़्यादा नींद अच्छी आती है। एक्चुअली यार बस भूल गए थे हम, बाहर चले गए, फिर हुआ नहीं, कल करवा लेते हैं देखेंगे। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।